हेलो गाइज, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्पोर्ट्सशाला में। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट फील्ड पोजीशंस के बारे में, यानी कि क्रिकेट में क्या क्या फील्डिंग की पोजीशन होती हैं, कहां कहां पर आप अपने फील्डर तैनात कर सकते हैं और अपने शॉट्स आप किस किस डायरेक्शन में खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने क्रिकेट कैरियर को बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं तो आपको इन फील्डिंग पोजीशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गाइज, हम में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं फील्डिंग पोजीशंस को लेकर, जैसे कि कवर पॉइंट, गली, मिड ऑन, सिली पॉइंट, ये कहां पर होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, एक बार में हो सकता है आपको ये सारी चीजें याद ना हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को दो या तीन या चार बार देखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर से याद हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, मैंने यहां पर एक क्रिकेट ग्राउंड का रफ स्केच बनाने की कोशिश की है, जिसमें ये है 30 यार्ड सर्कल यानी कि 30 गज का दायरा, और ये है मेन बाउंड्री जहां पर आप चौके छक्के मार सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राउंड, बीच में यहाँ पर है पिच। तो चलिए शुरू करते हैं अब हमारी फील्ड पोजीशन के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैट्समैन के साथ में। तो बैट्समैन भाई होता है यहाँ पर, यह बैट्समैन की पोजीशन और इस पे ऊपर हम कुछ नहीं लिख रहे। और यहाँ पर होता है बॉलर जो कि बॉलिंग करवाता है यहाँ से, इधर से इसका होता है रन अप। और एम्पायर की पोजीशन भी यहीं पर होती है, और एक होता है लेग एम्पायर जो कि होता है लगभग यहाँ पर इस लाइन के आसपास में। और दोस्तों, ये जो हम फील्ड पोजीशन बता रहे हैं ये है एक राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए देखेंगे तो सारी पोजीशंस बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। तो गाइज, अब शुरू करते हैं बेसिक फील्ड पोजीशंस के साथ में। तो सबसे पहले तो हम इस ग्राउंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होगा लेग और ऑफ। और इस साइड में होगा बैट्समैन का लेग और इस साइड में होगा ऑफ। ये जो पूरा रीजन है ये होगा लेग और ये होगा पूरा ऑफ। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, सबको लगभग पता होती है। गाइस, अगर हम ऑफ साइड के नीचे वाले पार्ट को इन दो इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर देते हैं तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं कवर, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पॉइंट, जो कि होता है लगभग यहां तक अपन कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट। लेकिन ये जो लाइनें हैं ये कोई मैंने मेजर करके नहीं खींचा है, सिर्फ एक आइडिया के लिए खींचा है कि इस एरिया को बोलते हैं कवर और इसको बोलते हैं पॉइंट। इनकी जो कैटेगरीज हैं काफी होती हैं, कवर की भी काफी होती है और पॉइंट की भी काफी होती है, जो कि हम अभी वीडियो में देखने वाले हैं। गाइस, अगर हम लेग की तरफ आते हैं और इस इमेजिनरी लाइन से ऊपर देखते हैं यानी कि इस क्वाड्रेंट में, तो ज्यादातर पोजीशंस होती हैं लेग, जैसे कि लॉन्ग लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग, फाइन लेग आदि जो भी पोजीशन होती हैं वो इस एरिया में आती हैं। गाइस, अगर हम ऑफ साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो कि होती है थर्ड मैन, जो कि लगभग यहाँ पर होती है इस एरिया के अंदर, जो कि बिल्कुल बाउंड्री पर होती है, इसको हम बोलते हैं थर्ड मैन। तो गाइज, अब लेते हैं इन फील्ड पोजीशंस को थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा कुछ टर्म्स का, जैसे कि लॉन्ग और डीप का यूज किया जाता है जब हमारी फील्ड पोजीशन होती है बाउंड्री के पास में यानी कि बैट्समैन से काफी दूर, और शॉर्ट आदि टर्म्स का यूज किया जाता है जब हमारी फील्ड पोजीशन होती है बैट्समैन के रिलेटिवली क्लोजर। गाइज, अगर हम पिच के पास आते हैं तो यहाँ पर होता है विकेट कीपर, जो कि इस पूरी लाइन के आसपास में कहीं भी हो सकता है, और यहाँ पर से शुरू हो जाती है स्लिप्स, जो कि यहाँ पर होती है फर्स्ट स्लिप, यहाँ पर होती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे ही आगे जो है फिफ्थ और सिक्स्थ भी हो सकती है। और दोस्तों, इससे जस्ट नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो ये होती है गली। इस फील्डिंग पोजीशन को बोलते हैं गली। स्लिप की पोजीशन पर जो फील्डर होते हैं उनका काम होता है बॉल को लपकना, अगर बैट्समैन से जो बॉल है वो टच होकर के चली गई है गलती से थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर इसको लपक लेते हैं। गाइस, अगर स्लिप विकेट कीपर के पास ना होकर यहाँ पर 30 गज के दायरे के आसपास खड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं फ्लाई स्लिप, और इसके बिल्कुल बगल में थर्ड मैन की डायरेक्शन में अगर फील्डर पास है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट थर्ड मैन। थर्ड मैन तो ये है लेकिन शॉर्ट है, ये पास में है इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट थर्ड मैन। गाइस, अगर हम ऑफ साइड की तरफ आते हैं और कवर को कैटेगराइज करते हैं तो जो मेन पोजीशन होती है कवर जिसको बोलते हैं वो होता है लगभग यहाँ पर, इसको बोलते हैं कवर। और अगर जो फील्डर है वो बाउंड्री के पास खड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं डीप कवर। डीप कवर यहाँ पर ये पोजीशन होती है डीप कवर की। अगर जो कवर है इस तरफ मूव करता है और यहां तक आता है तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कवर, आपने सुना होगा एक्स्ट्रा कवर। और अगर ये फील्डर बाउंड्री के पास में होता है तो इसको बोलते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर। ये पोजीशन होती है डीप एक्स्ट्रा कवर, ये होती है एक्स्ट्रा कवर। तो ये पूरा मिला के होता है कवर। अगर हम बात करें पॉइंट की तो मेन जो पॉइंट होता है वो होता है लगभग यहां पर, अपन कह सकते हैं इस वे आसपास अगर फील्डर मूव करता है तो वो भी जो है पॉइंट ही कहा जाएगा। अगर ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इस तरफ है तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड पॉइंट, बीपी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, ये था हमारा पॉइंट। अगर जो पॉइंट है वो बाउंड्री के पास में है तो एक बार फिर से हमारी जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से हो जाएगा डीप पॉइंट,
इसको हम बोलते हैं डीप पॉइंट। और अगर जो पॉइंट है वो इस तरफ है और डीप भी है यानी कि बाउंड्री के पास भी है, तो ये हो जाएगा डीप बैकवर्ड पॉइंट। तो थोड़ा सा जो है आपको याद करने की जरूरत है, यहाँ पर होता है पॉइंट अगर इस तरफ है तो होगा बैकवर्ड पॉइंट, अगर वो बाउंड्री के ऊपर है तो हो जाएगा डीप पॉइंट, अगर और अगर बाउंड्री के पास भी है और इस तरफ भी है तो हो जाएगा डीप बैकवर्ड पॉइंट। काफी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा हमें जो है ध्यान लगाने की जरूरत इसमें है। गाइस अगर हम आते हैं ग्राउंड के नीचे वाले हिस्से में, यानी कि यहाँ पर होता है बॉलर जो कि बॉलिंग करवाता है इस डायरेक्शन से, तो यहाँ पर दोस्तों इस पोजिशन को बोलते हैं स्ट्रेट यानी कि सीधा, और उम्मीद करता हूँ आपको दिख पा रहा होगा STRAIGHT ये पोजीशन होती है स्ट्रेट। और इससे बिल्कुल ऑफ साइड में होता है लॉन्ग ऑफ, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ऑफ। और अगर हम आते हैं इस डायरेक्शन में तो ये होता है लॉन्ग ऑन। और दोस्तों जब ये फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ की जगह इसको बोलते हैं मिड ऑफ। और अगर ये वाला फील्डर यहाँ पर होता है तो इसको बोलते हैं मिड ऑन। बिल्कुल सिंपल है गाइस। अगर हम देखते हैं लेग वाले हिस्से को यानी कि इस वाले पोर्शन को ग्राउंड के, तो बैट्समैन से लगभग 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पर होता है स्क्वायर लेग। इस पोजिशन को बोलते हैं स्क्वायर लेग। थोड़ा जल्दी जल्दी में जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो ये होता है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं तो ये हो जाता है लगभग फाइन लेग। और एक इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है फाइन लेग भी, क्योंकि इधर काफ़ी शॉट्स जाते हैं, जब बॉल यहाँ से आती है तो इधर जो है काफ़ी शॉट्स लगते हैं। और बिल्कुल वैसा ही होता है जब जो फील्डर होता है वो बाउंड्री पे होता है, ये जो फाइन लेग है ये हो जाता है डीप फाइन लेग, इसको हम बोल सकते हैं डीप फाइन लेग। जो स्क्वायर लेग है वो हो जाता है डीप स्क्वायर लेग, बिल्कुल सिंपल। और जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग है वो हो जाता है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। अभी जो है मैं पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर नहीं लिख पा रहा, लेकिन आप जो है समझ सकते हैं, बिल्कुल इजी है हमारा जो नोमेनक्लेचर है वो। अगर दोस्तों हम आते हैं इस लाइन के ऊपर लगभग यानी कि विकेट्स के बीच में, तो इस पोजिशन को बोलते हैं मिड विकेट। और हम जो है सारी पोजिशंस को रिलेट कर सकते हैं उनके नाम से, मिड विकेट यानी कि विकेट के बिल्कुल बीच में। अगर हम जाते हैं बाउंड्री पे तो एक बार फिर से ये हो जाता है डीप मिड विकेट, डीप मिड विकेट। तो वही जो है अगर आप बाउंड्री पे घूम रहे हैं तो वो हो जाता है डीप या फिर लॉन्ग, यहाँ पर हो जाता है डीप, यहाँ पर भी सारी चीजें हो जाती है डीप। गाइस अगर डीप फाइन लेग का जो फील्डर है वो यहाँ ना होके बिल्कुल यहाँ पर चला जाता है लगभग विकेट कीपर के बिल्कुल पीछे, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डीप फाइन लेग, एक्स्ट्रा डीप फाइन लेग। क्योंकि ये जो है बिल्कुल पीछे है, यहाँ पर ज़्यादातर नहीं होता है इसका उपयोग, लेकिन कभी कभी इस पोजीशन का यूज़ भी जो है कर लिया जाता है क्रिकेट में। अगर दोस्तों पिच के हम पास आते हैं काफ़ी यहाँ पर, तो एक मेन पोजीशन आती है वो है सिली पॉइंट, जो कि होता है यहाँ पर, ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है लगभग सिली पॉइंट। इस तरफ में भी होता है और इसको सिली इसलिए बोलते हैं कि ये बैट्समैन के बिल्कुल पास है, आप देखिए बिल्कुल कम दूरी है और बैट्समैन जो है हिट कर सकता है इस फील्डर को, इसीलिए इसको बोलते हैं सिली पॉइंट, यानी कि यहाँ पर खड़ा होना मूर्खता का काम है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जो फील्डर होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन हेलमेट वगैरह सब यूज़ करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सिली पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट की डायरेक्शन में है। और अगर वो है यहाँ पर तो इसको बोलते हैं सिली मिड ऑफ, अगर है इस तरफ में जो फील्डर है तो उसको बोलते हैं सिली मिड ऑन, ऑन की तरफ है तो सिली मिड ऑन, ये ऑफ की तरफ है तो सिली मिड ऑफ, बिल्कुल सिंपल। दोस्तों एक और टर्म आता है गली, तो गली जो है हमने बताया था यहाँ पर है, ये होता है गली। और अगर जो गली है वो लेग साइड में है तो इसको बोल देते हैं लेग गली। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं बिल्कुल साफ से नहीं लिख पा रहा, इसका एक मैं फाइनल डायग्राम आपको दे दूंगा बिल्कुल, जो कि आपको बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें दिखा देगा, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं लास्ट में वीडियो के। गाइस एक पोजीशन जो कि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता थी वो है काउ कॉर्नर, जो कि होता है लगभग यहाँ पर। बाकी जो सारी पोजीशंस हैं अगर वो बाउंड्री पर हैं तो सिर्फ उनके आगे डीप लग जाता है, जैसे कि फाइन लेग है तो डीप फाइन लेग हो गया, अगर इधर पॉइंट है तो डीप पॉइंट हो गया। सारी पोजीशन बिल्कुल सिंपल हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे अपनी पोजीशन में, आप खड़े होइए और देखिए कि किधर कौन सी पोजीशन है, तो आप बेहतर तरीके से इसको सीख पाएंगे। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्पोर्ट्स शाला को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।